तो हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, आज हम चित्रकूट के जंगल में मंदाकिनी मैया के किनारे आए हुए हैं साधु संतों की खोज में। तो जैसे हमारे साथ हैं महाराज जी। तो महाराज जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रथम सुंदर गिरी जी। प्रथम सुंदर गिरी जी महाराज जी का नाम है। और महाराज जी काफी दिनों से साधना कर रहे हैं। महाराज जी, किन की साधना करते हैं आप? हम जी पागल हैं तो पागलों की साधना करेंगे। महाराज जी भोलेनाथ की साधना करते हैं। और किसकी करने जो बाकी माता रानी की साधना करेंगे। जी जी, माता रानी काली मैया की साधना। महाराज जी दुर्गा देवी की, जगत जननी की। जगत जननी की तो महाराज जी हैं हमारे। देखिए महाराज जी भोलेनाथ जी का प्रसाद बना रहे हैं दोस्तों। तो महाराज जी, इसको आप दिन भर में कितना ले लेते हैं? ये जो कोई पता नहीं। अच्छा, कोई पता ही नहीं है। कोई पता ही नहीं है। पता चला कि कोई देता जाए तो आप दिन भर लेते हैं। हाँ, कोई दिन भर देता जाए हम दिन भर लेते रहेंगे। भोलेनाथ की जड़ी है ये, शंकर की बूटी है। जी जी जी, उत्तराखंड की बूटी। तो महाराज जी, आप इस साधु रूप में आप कितने सालों से हैं? हमने आपसे उस दिन भी कहा था, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन से पैदा हुआ जी उस दिन से इसी में पढ़ा हुआ, अभी तक निकल ना पाया, एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ। जब से आप यानी होश संभाला आपने, तब से आप सीताराम में लगे हुए हैं। सीताराम पे लगे, सीताराम में लगे हुए हैं। जी जी। तुम्हारा जी, आप कितने भाई हैं? हम जी, अब कोख के बताए जाए, गोद के बताए जाए? नहीं, आप जो अपने भाई हैं, सब परिवार के जो भाई। हाँ हाँ, मतलब एक कोख के हो गए, गोद के हो गए। अच्छा, अब जो गोद के हैं वो गुरुकुल है हमारा, उनमें तो अनगिनती भाई हैं। सही है, तभी तो पूछे कोक का बताया जाए या गोद का बताया जाए। हाँ, आपने कोक का बताया महाराज जी। कितने भाई हैं? कोक में हम तीन भाई हैं। तो आप उनमें से सबसे छोटे हैं कि ना? सबसे बड़े हैं महाराज जी। बड़े भाई में तो काफी जिम्मेदारियां होती हैं, आपने बताई साधु। जिम्मेदारी पूरी करी। अच्छा, जिम्मेदारी आज भी पूरी करते हैं? अच्छा अच्छा, आज भी पूरी करते हैं जी। तो महाराज जी, आपने शादी नहीं की? शादी करेंगे सारे, देख ना रहे तो इन ने अपना शादी कर ली। कोई पेटीकोट ला लागे परेशान है, कोई ब्लाउज ला लागे परेशान है, कोई लाली लिपस्टिक लागे परेशान है। ग्रस्त जीवन में यही तो है। हाँ, ग्रस्त जीवन महाराज जी बहुत परेशानी है। और रामसार सन्यासी हमसे कह दे कि ये ले आओ, तो भैया जा तू ले आ, हमारे तो कमाई है ही नहीं है। हम कहीं कमाने नहीं जाएंगे। सही है। हम लाली लिपस्टिक कहाँ से लाएंगे? सही है। और जब कोई दूसरा देगा तो भैया खून खोलेगा। सही कह रहे हैं महाराज जी, खुद देना नहीं है, दूसरा देगा तो खून खोलेगा। खून खोलेगा, इसीलिए आपने महाराज जी शादी नहीं की? कई रीजन है। अच्छा, कई रीजन है जी, कोई जरूरी नहीं है जी। कि जैसे कहा गया है, गिरस से ही सारी चीजें शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और ग्रह से हम भी आए हैं जी, क्योंकि आसमान से या कोई धरती चिर के तो आए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भरत में रहे होंगे, हमारी माता ने जी जी पिता ने हमारी भी सेवा की होगी। जी जी जी, अब लगन लग गई हमारी कहीं और जी, अब लगन कहीं और लग गई, कहीं और लगी बड़ी है। अब हमारे माता पिता तो कहते हैं कि चल तू घर में रहे, अब हमें घर भाते ही नहीं है। अच्छा, अभी महाराज जी बुलाते हैं आपको? अभी भी बुलाते हैं। अच्छा, हम इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हमें हर साल अपनी छत नहीं बदलनी है। हर साल नहीं जाते? हाँ, अपनी छत नहीं बदलेंगे हम जी, जी। पापा मेरा कहता है इसी छत में रहे, ये दादा बनवा गया है, वो भी बनवा गया, बेटी वाला वो भी पूरा खा गया, हमारा बाप भी पूरा खा गया। और हमसे कहता तू भी इसी के नीचे रहे, हमारे बस की ना, हम तो रो हर साल बदले उसके नीचे रहे। हर साल महाराज जी नई कुटिया बदलते हैं आप? नई कुटिया तो वही रहती है। अच्छा, छत बदल देते हैं? छत बदल देते हैं जी। छत कैसे बदलते हैं? छत कैसे बदलते हैं महाराज जी? भाई घास फूस की मड़ैया जो होती है उसकी छत बदली जाती है। बिल्कुल, बाकी क्या इसकी बदली जाएगी। सही है। तो महाराज जी, आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया? धरती तो मेरी माँ है, जहाँ बुला लो जी। उत्तराखंड भी में भी आप थे महाराज जी? हाँ, उत्तराखंड में भी रहे, हरी के पेड़ी पे रहे। अच्छा, तो चले गए आगे उत्तराखंड में महाराज जी के साथ? नैना देवी चले गए जी। जी जी, उत्तराखंड में आप थे? द्वारका जी गए?
अभी तुम्हें भी हम जवाब देंगे, थोड़ा इधर हम दे दें, फिर तुम्हारी भी ले लेंगे हम ढंग से, चिंता नहीं करो। जी 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 आप अच्छे हैं, देखो भी लोग बोल लेते हैं, उनको हम बता दे रहे कहाँ कहाँ गए, उनको भी जानकारी हम गए। तो महाराज जी आप उत्तराखंड में थे इतने दिन, तो वहाँ का मौसम यहाँ से काफी अनुकूल मौसम है, ठंडा इलाका। आपको बताएं जी, जी जी गर्मी रहे तो हमें नंगे घूमना है जी, पानी बरसे तो हमें नंगे घूमना है जी जी, और ठंडी पड़े तो नंगे घूमना है। आप ऐसे ही वहाँ भी रहते थे उत्तराखंड में भी, ऐसे ही बिना कपड़ों के? जी जी महाराज जी आप नागा सन्यासी है ना? नागा हमारे गुरु जी हैं। अच्छा अच्छा हम उनके सेवक हैं जी, सेवक तो हम भी हैं महाराज जी, उनके सेवक हैं। जी जी और जिस दिन वो हमें बुलाएंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ तो महाराज जी सबको जाना पड़ेगा। और अभी हम भ्रमण पर हैं जी, भ्रमण पर जैसे गुरु कहता है जी कि अब जाओ 12 साल भ्रमण करो जी, 12 साल में क्या क्या तकलीफें आती हैं हमें मालूम होता, गुरु कह देता है कि 12 साल मेरी शक्ल मत देखना। अच्छा ये भी बताओ कोई बात होती है? जिसके जिसने हमें संन्यास दिया, जिसने हमें इतना बड़ा कर दिया, शिक्षा दीक्षा दे दी, वही कह कि जा 12 साल मेरी शक्ल मत देखना, 12 साल शक्ल ना देखना, शक्ल मत देखना। कोई बात नहीं, 13वें साल में तेरी शक्ल देखेंगे आएंगे जरूर, चलिए मत जाना हमें छोड़ के, पता चला बेताई चित्रकूट में भजन करा करें होते ही निकल ले, हम 13वें साल में मिल लेंगे, कोई जरूरी नहीं। तो महाराज जी ये सबको ऐसे ही कहा जाता है कि आप नहीं देखो, जिसको अपने ऊपर सक्षम होता है, जिसको भरोसा होता है कि हाँ जी, जैसे कि हमें आपके पूर्ण भरोसा है जी जी, अगर हम आपसे आटा मांगेंगे तो आप हमें आटा भी ला दोगे, चावल मांगेंगे चावल जी भी ला दोगे जी जी जी, है इसी तरह हमें अपने गुरु पे इतना भरोसा, अगर उसने मुझे कोई चीज मुझसे मांगी है जी तो सोच समझ कर ही मांगी होगी, बिल्कुल, वरना हजारों चेले उसके पास पड़े हैं, किसी से भी कह सकता था जा भ्रमण कर, जा कुछ ढूंढ कर ला। हमारे गुरु ने मुझसे कहा कि अकेला मत आना आश्रम में, लुगाई साथ मत लाना अकेला मत आना, लुगाई साथ में ना लाना। तो महाराज जी इसका तात्पर्य क्या हुआ बता दे रहे निरंजन निरंजन सेव कर लो, इसका मतलब ये हो गया जी कि सन्यासी शादी करेगा ही नहीं, नहीं करेगा, प्रीत करेगा बिल्कुल, लगन लगाएगा साधना जी, और अकेले का मतलब ये हो गया कि जिस तरह हम आश्रम से आए थे जी, उस तरह हम आश्रम ना पहुंचे जी। जैसे आदमी जब कुछ कमाने के लिए बाहर जाता है तो घर से नंगा जाता है, खाली हाथ जाता, खाली हाथ जाता है सही, और जब माँ बाप का भरोसा लेकर जाता है कि हाँ मेरा बेटा जा रहा है कमा कर कुछ ना कुछ लाएगा जी जी, तब घर की दाल रोटी, इसी तरह हम जैसे पागल होते हैं जो 12 साल तक भटका करते हैं 13वें साल में पहुंच जाते हैं बिल्कुल, अगर लाल होंगे तो लौट जाएंगे जहाँ कहेंगे हम अब महाराज जी आपके साथ बहुत से पागल जुड़ जाएंगे, बहुत से जुड़ जाएंगे जैसे पागल ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। जीवन जो जीवन जी, जीवन एक अनमोल है बिल्कुल महाराज जी, अब कोई पागल तो है नहीं, चिड़िया जो होती है जब वो अपने अंडे देती है दिन में उसे 10 बार देखती है आकर, बिल्कुल देखती है कि मेरे अंडे कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे कुछ हो ना जाए, इसी तरह हमारी आपकी जब माता जन्म देती है जी जी तो क्या सोच कर देती होगी, बहुत कुछ सोच कर जन्म देती होगी, बहुत उनकी सही है भाव है ना, उसको हम लोग तो कुचल रहे हैं पहले से बिल्कुल, उनको तकलीफ पहुंचा रहे, सुखी नहीं पहुंचा रहे सही, इस जग में कोई सी माता कह दे कि मैं आज खुश हूँ अपने लाल से, कोई नहीं कह पाए, कोई नहीं कह पाए सही, एक हमारी माँ है पागल, वो कहती है मुझसे खुश है, अच्छा ना उससे मैं रोटी मांगू जी, ना उससे कपड़ा मांगू जी, ना उसे परेशान करूं, आप कपड़े पहनते ही नहीं हमारी माँ मुझसे बहुत खुश जी। तुम्हारा जी बात तो होती होगी कभी ना कभी महाराज माता जी से, अब उसके लिए तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, फोन पे बात नहीं होती उसके लिए बता तो रहे हैं, हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा और वहाँ भी हम जा नहीं सकते जी जी, इस शरीर में नहीं जा सकते। अच्छा
वो वहां पे पहुंच गए, बरामदगी हो चुकी है जी जी और अभी हम जिंदा बैठे हैं, हमारे अंदर शरीर है, हम कहाँ जा सकते हैं उनके पास। हाँ, दर्शन रोज करते हैं जी, दर्शन होते हैं हमारे, दर्शन रोज करते हैं। अच्छा, जिसकी कोख में रहेंगे तो उसका दर्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आँखी बंद तो दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे दर्शन होते हैं तो माता जी कुछ बोलती भी होंगी आपसे, कुछ कहती भी होंगी चित्रकूट की? जी जी, हम वहाँ बैठे हुए थे, वो जो सामने है ना, वहाँ बैठे हुए थे जी, ये साल डेढ़ साल बाद हो चुकी है पुरानी जी जी, ठंड का समय था जी, और नीचे जो लोई रखी वो लोई थी और यही बैठा ऐसे ऐसे बैठे हुए थे जी जी, कुछ देर के लिए हम वहाँ सो गए। अच्छा, नींद आ गई जी, जब हम नस्ताने हो गए, बिल्कुल लीन हो गए उसमें जी जी, खो ही गए, मतलब दूसरी दुनिया में पहुंच गए जी। दूसरी दुनिया में पहुंचे तो हमें अपनी माँ दिखती है। अच्छा, तो मेरी माँ कहती है लाला यहाँ से हटो, ये अच्छी जगह नहीं है चित्रकूट से। हाँ जी, हमने पूछा ये अच्छी जगह क्यों नहीं है जी, यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जी, है दर्शन करने को आते हैं, दर्शन योग जी गए तो श्री जी गए यहाँ गए जी। तो मेरी माँ कहती है मुझसे यहाँ से हटो, ये नहीं कहते कि चित्रकूट से हटो, वहां से वहां से हटो, वहां बवाल है,